नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घट है उसकी पूरी जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस भर्ती में खाली रह गए 93 पद, भर्ती में 1334 में से 1241 उम्मीदवारों का चयन। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में आरक्षियों के 93 पद खाली रह गए हैं। पुलिस भर्ती में 1334 में से 1241 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में आरक्षियों के 1334 पदों के लिए 3 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और 3 मार्च 2022 को संपन्न शारीरिक दक्षता परीक्षा PET और शारीरिक मानक परीक्षा PST उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र थे। लिखित परीक्षा के लिए कुल 69,605 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जिनमें से 12,336 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों में 9,639 पुरुष और 2,707 महिलाएं थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भर्ती के सभी चरणों के पूरा होने के बाद 135 भूतपूर्व सैनिकों सहित 1241 उम्मीदवारों, पुरुष 883 और महिला 269 और पुरुष ड्राइवर के 99 पदों का चयन किया गया है। NPS कर्मियों को सरकार की दो टोक 15 सितंबर तक मांगे नहीं मानी तो चलाएंगे वोट फॉर OPS अभियान। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे NPS कर्मचारी 15 सितंबर के बाद वोट फॉर OPS अभियान चलाएंगे। यदि सरकार ने OPS बहाली की मांग को मान लिया तो सरकार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यदि सरकार बात नहीं मानती है तो फिर सरकार के विरुद्ध मतदान किया जाएगा। ये बात NPS कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कही है। उन्होंने दो टूका है कि सरकार को 15 सितंबर तक का समय पत्र के माध्यम से अल्टीमेटम दिया गया है, यदि बात नहीं मानी गई तो उसके बाद वोट फॉर OPS अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से OPS बहाली की मांग कर रहे हैं, आज दिन तक आश्वासनों की सिवाएं कुछ नहीं मिला है। मजबूरी में अब क्रामिक अनशन का फैसला लिया गया है। आगामी समय में यह क्रामिक अनशन जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी हो सकता है, फिलहाल ये विधानसभा क्षेत्र स्तर पर हो रहा है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले बिना ब्रेक 12 महीने की जाएगी होमगार्ड की ड्यूटी। होमगार्ड जवानों की ड्यूटी बिना ब्रेक 12 महीने की जाएगी, ये आश्वासन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश राज्य गृह रक्षक कल्याण संघ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि ये मामला वित्त और गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। प्रदेश की 12 बटालियनों में लगभग 8,000 होमगार्ड जवान है। होमगार्ड जवान सभी जिलों में पुलिस के सहायक के रूप में तैनात है, आपातकालीन बल के रूप में कार्य करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड जवानों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है। करीब 3 माह पूर्व सरकार ने होमगार्ड जवानों का दैनिक मानदेय 675 रूपए से बढ़ाकर 883 रूपए प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। होमगार्ड जवानों का मानदेय 20,258 रूपए प्रतिमाह था, बढ़ोतरी करने के बाद अब 26,452 रूपए प्रतिमाह हो गया है। छठे वेतन आयोग की सिफारिश से सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई है। सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 का एरियर देने का निर्णय लिया है। यदि होमगार्ड जवानों को जिला या राज्य के बाहर तैनात किया जाता है तो उन्हें प्रतिदिन 60 रूपए की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा। रणधीर शर्मा बोले कांग्रेस डूबता जहाज, अब इसमें कोई सफर करने को राजी नहीं। भाजपा संगठन और सरकार का जनता में विश्वास इतना बढ़ गया है कि अब कांग्रेस के विधायक भी भाजपा की शरण में आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत ये बात तय होगी कि कांग्रेस वास्तव में डूबता हुआ जहाज था, वह के मारे अब इसमें कोई सफर करने को राजी नहीं है। ये बात श्री नैना देवी जी के पूर्व विधायक तथा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की खंड स्तर से प्रदेश स्तर तक मची कला अब खोल कर सामने आ गई है। जनता को भी अब सोचने का अवसर मिल गया कि देश को गर्त में ले जाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। हिमाचल पुलिस के ऑर्केस्ट्रा को चुनाव आयोग ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। हिमाचल पुलिस का हारमोनियम ऑफ द पाइंस ऑर्केस्ट्रा नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, अब इसे चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इसके बाद हम जागरूकता संदेश लेकर लोगों के बीच आएंगे, ये बात हिमाचल पुलिस के हारमोनियम ऑफ द पाइंस
ऑर्केस्ट्रा बैंड के प्रभारी विजय कुमार ने राजगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने हार्मनी ऑफ द पाइन्स के फोटो वाला डाक टिकट छापने का भी निर्णय लिया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का ऐलान, आने वाले समय में धर्मपुर को बनाया जाएगा जिला। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर को जिला बनाया जाएगा। ये बात जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने दो केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री के धर्मपुर दौरे की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से कही है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर में आज भी सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि मुख्यालय में होनी चाहिए। भविष्य में जब भी डिलिमिटेशन होगी और नए जिले बनाने की बात आएगी तो धर्मपुर को जिला बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाने की काफी समय से मांग उठ रही है। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में जब भी नए जिले बनेंगे तो धर्मपुर को जिला बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। हिमाचल सचिवालय सहित 105 कार्यालयों में ई ऑफिस परियोजना शुरू। कागज रहित कार्यालयों को सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में ई ऑफिस परियोजना लागू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित 105 कार्यालयों में ई ऑफिस परियोजना शुरू की गई है। इसमें 57 निदेशालय, 11 डीसी कार्यालय, 10 एसपी कार्यालय व 26 फील्ड कार्यालय शामिल है। साथ ही अब तक 5,715 अधिकारियों और कर्मचारियों को ई ऑफिस के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी कार्यालय को कागज रहित मोड में स्थानांतरित करके ई ऑफिस के छत के नीचे लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न विभागों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वहीं आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिमला और धर्मशाला के गगल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसपीटीआई के दो केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, कांग्रेस ने घोषित किए 21 कॉलेज, केवल 1-1 लाख रुपए का बजट दिया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पिछली बार चुनाव से ठीक पहले जनता को ठगने के लिए कांग्रेस ने 21 कॉलेज घोषित किए और उनके लिए केवल 1-1 लाख रुपए बजट का ही प्रावधान किया। इनमें भाजपा ने 17 कॉलेजों को धरातल पर उतारा है। जयराम सरकार बजट में प्रावधान करके ही नए शिक्षण संस्थान खोल रही है या स्तरोन्नत कर रही है। कांग्रेस ने केवल वादे किए जबकि भाजपा ने उन्हें पूरा भी किया है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,412 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। भारद्वाज ने रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में कई अहम निर्णय होंगे। इसमें सीएम जयराम ठाकुर की विभिन्न बजट घोषणाओं को मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर की ओर से फेड में की गई कई घोषणाओं को भी स्वीकृति मिल सकती है। बैठक में राज्य में विभिन्न शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने की भी स्वीकृति मिलेगी। इस बैठक में प्रदेश में नियुक्त 2,555 एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल और कैजुअल लीव का लाभ देने या अन्य समाधान निकालने के बारे में भी चर्चा हो सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति के बारे में भी आज मंत्रणा हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, स्कूलों में अगले सत्र से तीसरी से पांचवी कक्षा तक पढ़ाई जाएगी संस्कृत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में तीसरी से पांचवी कक्षा तक संस्कृत पढ़ाई जाएगी। सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने का कार्य शुरू कर दिया है। आने वाले समय में जमीनी स्तर पर और भी कार्य किए जाएंगे। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। रविवार को सुंदरनगर में संस्कृत भारती सहित विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों की ओर से आयोजित संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत सब भाषाओं की जाननी है। वर्तमान में इसे भी सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। ये देश का दुर्भाग्य कि आज संस्कृत जानने और बोलने वाले सीमित संख्या में रह गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और विधायक राकेश जम्वाल भी विशेष रूप से उपस्थित थे। भूस्खलन से 2 NH बंद मकान, गौशाला जमींदोज, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कई क्षेत्रों में भारी बारिश और वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण मंडी, जलंधर और ओट आनी NH बाधित रहे। विकास खंड हमीरपुर की ग्राम पंचायत नेरी में एक स्लेट वाला मकान जमींदोज हो गया है। मकान के मलबे के नीचे सारा सामान भी दब गया है। ये हादसा रविवार तड़के हुआ है। प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई भागों में 5 और 6 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 10 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू बोले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अब खूंखार कैदियों की पेशी। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने नालागढ़ कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया और पुलिस की आरोपियों को पकड़ने की योजना पर चर्चा की।
उन्होंने इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को बताया कि नालागढ़ में कई खूंखार कैदी पेशी के लिए लाए जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं है। कैदी को मिलने वालों का परिसर के बाहर तांता लगा रहता है। पंजाब में गैंगवार होने से यहां पर अधिवक्ता और जजों की सुरक्षा को खतरा रहता है। डीजीपी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही यहाँ पर कैमरे लगा दिए जाएंगे। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। खूंखार कैदियों को कोर्ट में बुलाने की बजाय उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। खबर शिमला से, अभी लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से ही चलेगी ऊपरी शिमला की बसें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार बस अड्डा आईजीएमसी के पास स्थित नगर निगम की पार्किंग में शिफ्ट करने पर प्रिंस फंस गया है। उपायुक्त शिमला ने 3 सितंबर को अधिसूचना जारी कर तुरंत प्रभाव से ऊपरी शिमला और करसोग के लिए बसों का संचालन आईजीएमसी के पास स्थित नगर निगम की पार्किंग से करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन रविवार को अनौपचारिक तौर पर एचआरडीसी को बस स्टैंड शिफ्ट करने की प्रक्रिया को होल्ड ऑन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजकुमार चाहर बोले, हिमाचल में प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में आएगी भाजपा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आकर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएगी। इस बार पहले की अपेक्षा भाजपा अधिक सीटें जीतेगी। ये बात उत्तर प्रदेश से सांसद एवं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने रविवार को घालूवाल में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। इससे पहले उन्होंने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने और देश हित को लेकर लगातार कार्य कर रही है। बड़ी सफलता, पुलिस ने कमरे में दी दबिश, चिट्टे की खेप के साथ युवक गिरफ्तार। हिमाचल पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के समीप एक युवक को चिट्टा बेचते पकड़ा है। युवक के कब्जे में 62.37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार जब पुलिस की टीम विक्ट्री टनल के पास गश्त कर रही थी तो गुप्त सूचना मिली कि पुराना बस स्टैंड के समीप एक युवक अपने कमरे से चिट्टा बेचने का कारोबार कर रहा है। सूचना मिली थी, पुलिस ने तुरंत कमरे में दबिश दी तो इस दौरान युवक घबरा गया। पुलिस ने जब तलाश ली तो युवक के कब्जे में उक्त मात्रा में चिट्टे की खेप आई गई है। मनवेश यात्रा संपन्न, इस बार 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर भारत की विश्व प्रसिद्ध श्री मनवेश यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि आधिकारिक तौर पर 19 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस वर्ष पवित्र श्री मनवेश यात्रा में दर्शन किए और डल झील में स्नान किया। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक 2,50,000, जबकि 19 अगस्त से पहले भी लगभग 60,000 श्रद्धालुओं ने श्री मनवेश के दर्शन किए हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल के 4 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, 7 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार दोपहर 12 बजे तक प्रदेश के 4 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर येलो अलर्ट जारी। इन जिलों में शिमला, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिला शामिल है। फ्लैश फ्लड की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।